बेसिकली लेटर हेड पे क्या लिखना होता है, लेटर हेड पे लिखना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, आपको रीजन बतानी होती है कि आपने अपनी कंट्री में, हमारी कंट्री में क्या लेने जाना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये शुभ है जो व्लॉग्स पाकिस्तान गुजरावाला शो ट्रैवलर और प्लस व्लॉगर बनना चाहता हूँ। तो गाइस आज का टॉपिक है कि हमें लेटर हेड पे क्या लिखना चाहिए, हमें पिक दिखाई जाए, हमें आप मुझे अपना नंबर सेंड करें। गाइस मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पहले भी आपसे तस्लीम कर चुका हूँ कि मैं अपना नंबर नहीं दे सकता, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, हमको जो कुछ भी जाना मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अपने जो सब्सक्राइबर भाई हैं उनसे बात भी करता हूँ, मेरे पास कुछ स्क्रीन शॉट्स भी हैं जो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, लाइक ये 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 बात करता हूँ या झूठ नहीं बोलता। और अगर आपको कुछ जाना था मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, मुझे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, तो मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। बेसिकली लेटर हेड पे क्या लिखना होता है, लेटर हेड पे लिखना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, आपको रीज़न बतानी होती है कि आपने अपनी कंट्री में, हमारी कंट्री में क्या लेने जाना है। ठीक है, मैं तो आपको कहूँगा कि अगर आपकी एज कम है तो आपको स्पोर्ट्स का खेल यूज़ कर लें, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गई, ये चूज़ कर लें। अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपको सॉलिड रीज़न उनको देनी है ताकि उनको यकीन हो जाए कि आप अपनी कंट्री में वापस ज़रूर आएंगे, आप सिर्फ हमारी कंट्री में बिजनेस के लिए जा रहे हैं या खेलने के लिए जा रहे हैं, उनको कोई सॉलिड रीज़न आपको देनी है। मैं भी रीज़न दिया था कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने एक महीने की तनख्वाह समझ लें। उन्होंने पूछा था कि तुम कितने पैसे लगाने जा रहे हो, मतलब मैंने कहा कि मैं एक मंथ की अपनी सैलरी है, जो मैंने 1.5 लाख रुपये सैलरी शो की थी, एक मंथ की जो सैलरी है मैं वो खर्च करने जा रहा हूँ, तो तुम्हारी इनकम कितनी है, मैंने कहा मेरी 1.5 लाख रुपये इनकम है। तो आपको सिर्फ एक रीज़न देनी होती है, लेटर हेड का मकसद यही होता है, उसको रिक्वेस्ट कर लेटर कहा जाता है, उस पर लिखा जाता है मेरी, आपकी कंपनी का नाम लिखा जाता है, आपका एड्रेस लिखा जाता है। लेटर हेड पे ये भी टाइप किया जाता है कि आप रीज़न देनी होती है आपको कि आपने वहाँ क्या करने जाना है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे वीज़े बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं जो रीज़न नहीं देते। तो आपको रीज़न देनी है, बस लेटर हेड का मकसद यही है। मैं पिक बना के सेंड करता हूँ लेकिन सही नहीं आती, मैंने लेटर हेड की आई थिंक वीडियो भी बनाई थी लेकिन सही नहीं आई थी। तो आपको कुछ भी जानना है मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लें, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं नंबर नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है। आपको जो कुछ भी जानना है मुझे मैसेज करें, कॉल करें, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपका काम सवाल करना है, आपका भाई यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, अब जब चाहे मुझे कॉल करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपकी कॉल उसी टाइम पिक करूँ, अगर नहीं भी कर पाया तो मैं बैक कॉल आपको ज़रूर करूँगा। तो आपको जो कुछ भी जानना होगा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मैं हर बात का जवाब देने के लिए हाजिर हूँ, क्योंकि आपका भाई बैठा हुआ है, इधर आपका काम सवाल करना है, मेरा काम है जवाब देना। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, जो जो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो जिन्होंने किए हुए हैं, सबके लिए बेहतरियाँ पैदा हो और इंशाल्लाह हर चीज़ ठीक हो जाएगी, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। तो मैं लेटर हेड के बारे में सब पूछते थे तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना दूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों में ज़रूर पहुँचाना। मिलते हैं क्योंकि मैं फर्स्ट चैप्टर में आप देख रहे हैं जो ब्लॉग्स, मेरा नाम है अमर जावेद, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कर दिया करो। अल्लाह हाफिज़ गाइस।